पिछले दिनों वन विभाग की टीम ने एक आदिवासी अंचल में अतिक्रमण हटाया, जिसको लेकर आज विवाद की स्थिति बन गई और सैकड़ों की संख्या में आदिवासी लोग तहसील कार्यालय पहुंच गए। आदिवासियों का कहना है कि हमें जमीन से बेदखल किया जा रहा है, तो वहीं वन विभाग और प्रशासनिक हलकों की माने तो आदिवासियों का अतिक्रमण था जिन्हें हटाया जा रहा है। हालांकि कुछ आदिवासी यह भी कहते नजर आए कैमरे के पीछे कि जो हमारी जगह थी उससे तो हमें नहीं हटाया जा रहा है, लेकिन जो नई जगह हम खेती कर रहे हैं वहां से हमें हटाया जा रहा है। किसानों का यह प्रदर्शन लगभग एक घंटे तक तहसील में चलता रहा। SDM अखिल राठौर ने किसानों को समझाने का प्रयास किया, हालांकि किसान कुछ हद तक समझे लेकिन किसान संतुष्ट नहीं हुए, जिसके बाद किसान जो है तहसील कार्यालय से पैदल चलते हुए वन विभाग के कार्यालय पहुंचे, जहां लंबे समय तक किसानों और अधिकारियों के बीच जद्दोजहद चलती रही। किसानों का दावा है कि हमें परेशान किया जा रहा है, हमें हटाया जा रहा है, यह किसान आदिवासी है। वर्तमान समय में BJP का फोकस आदिवासियों पर है, ऐसे में माना जा सकता है कि आने वाले समय में यह जो रंग है राजनीतिक ना हो जाए, इसकी संभावना भी नजर आती है। अब देखना यह होगा कि किसानों के इस मुद्दे पर प्रशासन किस तरीके से निपटता है कि किसान भी नाराज ना हो, आदिवासी भी नाराज ना हो और अतिक्रमण की जो समस्या है उससे भी निजात मिल जाए। जितेंद्र सुबारे आज की बात मांग पिपलिया का लाकर रहने वाला हूँ। यहाँ पे जमीन के लिए आया हूँ। यहाँ पे है ना, हम लोग जमीन तोड़ मतलब बना रहे थे वहाँ पे, तो कल वह फॉरेस्ट वाले की दो गाड़ी गई थी हमारे यहाँ पे, ठीक है ना, तो वो पाइप लेके हमको मारने के लिए गई। फिर उनने मारा नहीं, हम बहुत सारे लोग इकट्ठे थे, उनने मतलब छेड़छाड़ी करी जो भी करना था उनको, लेकिन उसके बाद वो आ गए। लेकिन हमको जमीन चाहिए, बस इतना बोलना चाहता हूँ, बस उसके अलावा कुछ नहीं। वो चिल्ला चोट कर रहे थे, पाइप ले ले गए थे और बोला कुछ भी नहीं उनने। आज किस मांग को लेकर आया? इस मांग को कि पीपलिया और जमानी पंचायत के बीच में खाली भूमि थी बहुत पुरानी पूर्वजों की, तो इस पे आज काश्तकारी कर रहे थे आदिवासी लोग, तो वन विभाग के लोग और कुछ पटवारी लोग, इनने इनको घर कल भगा दिया। फिर ये लोग मेरे पास आए, हमने ज्ञापन के माध्यम से SDM साहब को अवगत कराया और इतने सारे लोग आए हमारे पीछे, यानी आदिवासी को टोटल परेशान किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। SDM साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि मैं देखता हूँ, दिखवाता हूँ, मैं आपको बता दूंगा। आप मुझसे मोबाइल पे भी बात करते हो और वैसे भी आ जाना मेरे पास। मुख्य मांग क्या है अपनी? हमारी मांग ये है कि जिस जमीन पे थे हम उस जमीन पे काबिज हो जाएं और कोई लड़ाई नहीं है हमारी। अच्छा, आप ये जो आंदोलन कर रहे हो, आंदोलन के माध्यम से आप सरकार से अभी विरोध कर रहे हो कि प्रशासन से कर रहे हो? प्रशासन हमारी बात आगे पहुँचा है, क्योंकि काम तो यही कर रहे हैं ना, सरकार तक नहीं पहुँचाएंगे। हाँ हाँ, आपकी बातें नहीं मानी जाती है तो अगला कदम आपका क्या रहेगा? फिर और ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे, क्योंकि हमारी तो लड़ाई है कि हमारे पास तो वो एक एक एकड़ का टुकड़ा हुआ है, उसी में बखर रहा है, बो रहा है और बच्चे पाल रहे हैं लोग, क्या करेंगे? सरकार से है, प्रशासन से भी और सरकार से भी है। सरकार से भी पहले हम प्रशासन को अवगत कराएं, फिर प्रशासन हमारी आगे बात पहुँचाए, इसके बाद कोई काम करेंगे।